आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आजकल न दिन न रात न समय कुछ नहीं देखा जा रहा है, बस काम काम काम। तो मॉर्निंग से अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। आज मॉर्निंग में शिमला मिर्च और आलू बना रही हूँ, लेकिन सबसे पहले चाय बनाई। और मेरा डिपार्टमेंट है किचन का, तो मेरी नज़र रहती है किचन के साथ साथ और कामों में भी। और आज उल्टा सीधा बटन लगा दिया ओपन ही, सस्ते आ रही। और आज ना हम रात को ना अलार्म लगाना भूल गए, अभी 7 बज रहे हैं, अभी तो ये फ्रेश हो रहे हैं अभी और उठते हैं। आजकल हम लोग ना यही काम कर रहे हैं, बस पानी मैंने पी दिया तो मैं चाय पी रही हूँ। आजकल हम ऐसे करते हैं, आज हम वॉशिंग मशीन पैक कर रहे हैं फिर पूरा। तो गिरीश जी का मन कभी होता है चाय पीने का तो पीते, लेकिन इस गर्मी में नहीं पी रहे हैं चाय। लेकिन मैं चाय के बिना नहीं रह सकती, तो डरने की क्या बात है, मैं खुले आम पी रही हूँ चाय। दोस्तों अपना अपना काम है, अपना अपना डिपार्टमेंट है, तो मैं अपना डिपार्टमेंट अच्छे से संभालती हूँ, हेल्प भी करती हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं है। सो मैं ना खाली चाय नहीं पीती हूँ, तो ऐसी मजाक कर रही हूँ। तो फाइनली आज हमारी वॉशिंग मशीन भी पैक हो गई है, और इसके अंदर जितना स्पेस था ना जो अंदर, तो हमने कुछ मेरे वूलन्स के कपड़े थे ये अटैची में, तो इसको भी खाली कर दिया हमने अटैची को, कुछ और सामान रख लेंगे इसमें, तो ये वाला यूज़ कर दिया हमने। और इसका जो पाइप था वो उसके अंदर भर दिया। और पता, एक हंसी के बाद जब सामान पैक कर रहे होते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है हस्बैंड वाइफ में। खास करके हमारी ना कभी कभी बहसबाजी हो जाती है, हंसी भी आती है इतनी, लेकिन कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलजुल कर, मतलब कि पता रहे कि दोनों क्या काम करने वाले, कैसे करने वाले हैं, हंसी भी आती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारा थोड़ा थोड़ा मैच हो जाता है, किसी काम में थोड़ा थोड़ा नहीं होता है, कभी करना पड़ता है। तो ना हमारी जो कैंची थी ना, वो मेरा छोटा बेटा स्कूल में ले गया उसको क्राफ्ट वर्क के लिए, तो उसका, उसने जहाँ से पकड़ते हैं उसको हैंडल में, वहाँ का ना पार्ट टूट गया था, तो उसको बड़ी मुश्किल से यूज़ कर रहे थे हम अभी। तो गिरीश जी को सभी होते हैं कि जब ना चीज़ सामान की ज़रूरत होती है तो ख़राब मिलती है, तो मतलब गुस्सा आता है ना जब ऐसे टाइम पे सामान नहीं मिलता है कोई अच्छा सा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कपड़े तय जो मैंने यस्टरडे नाइट धोए हुए थे। तो आजकल ऐसे ही कोई काम पकड़ लेते, कोई काम छूट जाता है, लेकिन बराबर निरंतर काम चलता ही जा रहा है। और ये एक काम करने में ना इतना टाइम लग जा रहा है, मतलब पैकिंग करने में। तो जब तक किरी सोया हुआ था वो भी कुछ ना कुछ करता रहता है, इस बीच में मैं भी कुछ ना कुछ कर रही थी, तो तब तक वो सोया हुआ था तो उठ गया था। तो उसके बाद उसने यहाँ पे अपने पापा की हेल्प की और मैं अपने और काम करने लग गई। फिर मुझे नहाना भी था और नाश्ता भी बनाना था, तो मैं पहले ब्रश व्रश करने के लिए, फ्रेश होने के लिए चली गई। तो गत्ता आएगा ना बाहर से,
आलो ही होगा टंगा हुआ देख। हमारे कितने यूज हो गए? दो। अभी गुमनाम है गुमनाम है हम, हमको अभी कुछ नहीं मिला, हम सिर्फ सामान पैक कर रहे हैं, हमको पता नहीं हमने कहाँ जाना है जगह। आज ड्रेसिंग भी कर, ड्रेसिंग भी कर देते आज पैक। अनु ने जला दिया दिया। अरे इतना बजे, अब मैं बना रही हूँ एक बार जब काम पे हाथ लगा देते हैं तो उसके बाद काम जब पूरा फिनिश हो जाए तो तभी खाने पीने का मन होता है आराम से, है ना, जो मेन हेड होता है। तो गिरी जी ऐसे ही है, जब पूरा काम मैं भी करती हूँ कभी कभी कि पूरा जो काम हाथ लगाए जिस पे पूरा कर लूँ, लेकिन कभी कभी मैं छोड़ देती हूँ उसको, क्योंकि टाइम होता है किसी चीज़ का जो परफेक्ट टाइम होता है खाने का या उसका, लेकिन आजकल ये सब नहीं देखा जा रहा है। आजकल तो बस काम, टाइम तो देखा ही नहीं जा रहा किस टाइम पर क्या हो रहा है, पर प्रॉपर तरीके से सब चीज़ चल ही रहा है, काम भी, खाना पीना भी। तो बस इसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो ड्रेसिंग टेबल दूसरा नंबर का हमारा बड़ा सामान जो पैक हो रहा है आज, और बस यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर रही हूँ। अब मैं नहाऊँगी, देन उसके बाद हमारे और काम। नहा गए, अब मैं बना रही हूँ रोटी, सब्जी बन गई है, सब्जी देख रहे हैं वही है, पर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में पूरा, आजकल तो खैर हो जाता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, बहुत तो इतना है यार, अभी तक तो मिला नहीं, और जो मिला है तो फिर उसमें ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जा रही है, समझ में नहीं आ रहा फिर क्या करें। और मतलब ज़्यादा नहीं है, अभी तो एक स्कूटी और दो साइकिल हैं, तो इनके लिए तो होगी जगह रखने के लिए।
अच्छा हाँ जी हाँ जी अच्छा। और अब मैं बना रही हूँ लंच। लंच में आज हमारी हम दोनों की गिरीश जी के और मेरी भी फेवरेट बड़ी की सब्जी मतलब साग बना रही हूँ मैं, क्योंकि यूज़ ही नहीं होता है। लेकिन बच्चों को मैंने कहा चलो आलू और सूप में दे दूँगी, और हम लोग तो बड़ी खाना बहुत पसंद करते हैं। मुझे ना चावल में बहुत अच्छी लगती है बड़ी की सब्जी मतलब साग पूरा, तो इसको मैंने बना दिया है। और पता क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे गिरीश जी की भी पोस्टिंग दूसरी जगह है ना, तो वहाँ हम मतलब फैमिली नहीं जा सकती है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेंट पे, तो जिस जगह हम रेंट पे जा रहे हैं वहाँ आर्मी स्कूल है। तो इसलिए हन्नो जो मेरा छोटा बेटा है वो पढ़ रहा है आर्मी स्कूल में, तो इसको हम वहीं डालने की सोच रहे हैं। थोड़ा इसको तैयारी भी करवाएंगे सैनिक के स्कूल की, क्योंकि फिफ्थ में है ना, तो ऐसा सोच रहे थे हम। लेकिन अभी ठीक से मिल नहीं रहा है, तो देख रहे हैं कि क्या करें आगे। तो अभी तो मैं और गिरीश जी बस यही सोच रहे हैं कि हाँ कार्तिक है मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा और मेरा 12th कर चुका है, उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोच लिया, वो क्या करेगा। तो मैच्योर है लेकिन छोटे मतलब बच्चों के लिए सोचते हैं पेरेंट्स। तो मेरे जो हम लोग जहाँ रहते हैं उत्तराखंड कोटद्वार में, तो वहाँ ना आर्मी स्कूल नहीं है। तो मतलब जहाँ हम जा रहे हैं सोच रहे हैं जहाँ जाने की वहाँ आर्मी स्कूल है, मतलब सैनिक स्कूल की तैयारी भी हो जाएगी। तो इसी पर्पज़ से हम लोग वहाँ रहने की सोच रहे हैं। फिर नेक्स्ट का अगर गिरीश जी का आज हम कर रहे हैं अपना पेट खाली, इसको निकाल देंगे और इसका सर अलग कर देंगे, इसको पैक कर देंगे। शाम 7:30 बज रहे हैं और हमारा ये काम चल रहा है, ये सब चटर पटर इसके अंदर रहता है। और अगर गिरीश जी का पोस्टिंग अच्छी जगह हुआ तो मे बी हम जा सकते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने यही डिसीजन लिया है, तो यही सब हम कर रहे हैं। जैसे ही कुछ डिसाइड होता है तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ दोस्तों। लेकिन अभी तो फ़िलहाल बस काम 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 चल रहे हैं, और साथ में चल रहा है कि क्या होगा। कितने सारे मकान हम लोगों ने देख लिए हैं, लेकिन कभी कुछ चीज़ समझ में आ रहा है, कुछ कभी रेंट ज़्यादा हो जा रहा है तो उस हिसाब से कमरे नहीं मिल रहे हैं, तो कभी स्कूल दूर हो जा रहा है, तो सब चीज़ देखना होता है। फिर समय भी बीता जा रहा है, तो ये सब चल रहा होता है जब शिफ्टिंग कर रहे होते हैं, नई जगह जाना होता है, बच्चों के लिए करना होता है। अपनी तरफ से माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा करें। सो एनीवे दोस्तों, जो भी होगा वो आप सबके साथ शेयर मैं करती रहती हूँ। तो फ़िलहाल तो जो आजकल के दिन है वही शेयर हो रहे हैं, और यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया। अभी ये बेड का जितना भी अंदर का सामान है ना, ये भी पैक करना है। फ़िलहाल तो जो ऊपर का जो सर बोलती हूँ ना मैं, इसको बेड का सर, वो निकाल के इसमें जो सामान था वो रख दिया पेटी में। तो यहाँ पर मैंने क्लीन कर दिया हाल फिलहाल के लिए ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं और काम करने लगी थी, क्योंकि थोड़ा हमको मार्केट भी जाना था, तो जल्दी जल्दी हो रही थी। तो यहाँ पे गिरीश जी ने झाड़ू पकड़े, वो नहाएंगे, और नहाना भी कितनी बार हो जाता है। तो हमको ना मार्केट जाना था, रात में गए हम लोग क्योंकि ज़रूरी था, सब्ज़ी भी ख़त्म हो रही थी। और लैपटॉप में एक प्रॉब्लम चल रही थी गिरीश के लैपटॉप, तो ये हमने लिया वहाँ से, और ये बहुत ज़रूरी था लगाना। फिर उसके बाद हमने सब्जी ली। बस ऐसे ही आजकल दिन व्यतीत हो रहे हैं दोस्तों। कैसे दिया आलू? प्याज ₹30 किलो, सॉरी किलो के हिसाब से मिल सकते। अरे यहाँ किलो के हिसाब से मिलता है ना, हमारे यहाँ दर्जन के हिसाब से मिलता है। हंस रहा है।
आप घर की और दोस्तों ये ले ले हमने सब्जी बहुत सारी। चलो और आजकल मैं बहुत मुश्किल से एडिट कर पा रही हूँ, मतलब ब्लॉग और दिन तो बहुत हो गए, अभी मुझे एक दिन बचे हुए हैं अलवर से जाने के लिए, लेकिन ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी दोस्तों। तो बहुत सारा प्यार देना और विश करना कि अच्छे से जो भी नेक्स्ट स्टेशन हमारा हो आप सबके साथ हो और अच्छा हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए दोस्तों और मस्त रहिए। सो बस अब घर जाने की तैयारी है, सब कुछ अच्छा ही होता है जब साथ में सब काम होते हैं, बस एक दूसरे के साथ रहकर हम भी ये चुनौती होती है, बस पूरी करेंगे इसको, कंप्लीट करेंगे और जाएंगे नेक्स्ट स्टेशन में। सो चलिए दोस्तों बाय बाय। सो मैं रख रही हूँ अब आलू प्याज घर में आने के बाद, ये मैंने सुबह यहाँ पे क्लीन कर दिया था, सो इसको ऐड करा यहाँ पे और रख दिए हैं आलू प्याज। तो बस आने के बाद मैं सब्जियां सेट कर रही हूँ और फ्रूट्स धोऊंगी और क्रिस के लिए मैंने भुजिया और रोटी बनाई, हमने तो छोटू पुटू खा लिया था मार्केट में और इसको थोड़ा पसंद नहीं आता ना वैसे बाहर का ज़्यादा, तो समटाइम खा लेता है कभी नहीं खाता है, तो आजकल तो हमारा रोज ही जाना हो जाता है बाहर, तो बोलता है कि मत लाया करो मुझे पसंद नहीं है। तो बस दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।